The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, main hu Dr. Paramjeet, physician and cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, नेहरू नगर दिल्ली NCR और यह है मेरा चैनल डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में जितनी हो सके बिल्कुल सही जानकारी हम आपको देते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि अपने घर में कोरोना वायरस को घुसने कैसे ना दें और कैसे घर को साफ करें, डिसइंफेक्ट करें। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, बल्कि बहुत सारे जर्म्स जो आपके घर में हो सकते हैं, आपके बच्चे बूढ़े आपके फैमिली मेंबर्स को वो अफेक्ट कर सकते हैं। और जब ऐसा कोई आउटब्रेक होता है जो कि लोगों की जान पे बन सकता है, बिल्कुल जैसा ये सार्स CoV-2 और पहले जो हुआ था सार्स, उसमें आपको ये सारी इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट की बातें पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से डिसइंफेक्टेंट्स सही से काम करते हैं, अगर आपके पास में घर में डिसइंफेक्टेंट नहीं है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिसइंफेक्टेंट क्या कोरोना वायरस को मारता है, क्या करता है। वैसे बहरहाल मारना बोलना गलत होगा क्योंकि कोरोना वायरस वैसी ही जीवित चीज़ नहीं है, वो ऑलरेडी डेड चीज़ है, मतलब इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग उसका बेसिकली कोरोना वायरस को इनएक्टिव करने वाली बात है या डीनेचर करने वाली बात। कौन कौन सी डिसइंफेक्टेंट्स, कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आप कोरोना वायरस को घर में सरफेस पे इनएक्टिव कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ऑल दो देखेंगे आप मार्केट में तो सब ने जाके जितना हो सके उठा ली है सामान, कहीं पे कोई आपको स्टरलाइजेशन के लिए सैनिटाइजर नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ ये सब मिलने भी मुश्किल हो गए हैं जो घर के डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सिंपल वाले फिनॉल लाइजोल्स। अगर आपके पास में ऐसा कोई जो नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे क्या करना है। अगर आपको सप्लाई मिल गया तब तो ठीक, वरना नहीं मिला तो होममेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। और बहुत ज़रूरी बातें आज आपको मेडिकली इम्पॉर्टेंट बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये कोरोना वायरस का नया वर्जन है। पुराना कोरोना वायरस सदियों से है जिसका उल्टे सीधे आपको सुनने भी मिलेंगे व्हाट्सएप पे, तो ये नया कोरोना वायरस है, ये इसकी नए प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए हम इसको 100% तो पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ पक्का मारेगी, कौन सी चीज़ कच्चा मारेगी, लेकिन इसके जो बड़ा भाई है SARS-1 और MERS, उस वायरसेस को जो ऑलरेडी मार चुका है और जो इसको मार देता है, वो चीज़ों का स्टडीज़ अवेलेबल हैं। तो रिकमेंडेशंस और स्टडीज़ ये दोनों को देख के हम आपको बताएंगे कि CDC WHO की रिकमेंडेशन क्या कहती है और कौन सी चीज़ कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर देती, न्यूट्रलाइज कर देगी, ये हम बात करेंगे आज। सो लेट्स ही बात करते हैं। देखिए कोरोना वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, थूकने से फैलता है, छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है, आगे चल के सरफेस पे गिर गया, तो सरफेस को आपको करना पड़ेगा साफ। तो सरफेस को साफ करने के नहीं किया, इधर हाथ लगाया कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस हाथ में, इसको हाथ लगाया, यहाँ रखा, हाथ धो के आया, फिर इसको हाथ लगाया, फिर आपके हाथ में वापस। तो इसलिए सरफेसेस को और हाथ को रेगुलर साफ करना है, मुंह को और नाक को हाथ नहीं लगाना है, हाथ धोते रहना है, ऑलरेडी सबको अच्छे से पता है। लेकिन जब आप ऐसे किसी सरफेस पे आ जाते हैं, जब वायरसेस की बात करते हैं, तो जितने आपके एक हाउसहोल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, जो डिटर्जेंट क्लीनर्स आपके पास है, चाहे वो कॉलिन हो, चाहे वो लाइजॉल हो, चाहे वो फिनॉल हो, वो सब काम करेंगे घर की सफाई करने में, बिल्कुल करेंगे। सो कोई टेंशन नहीं है, आप उनसे कर सकते हो अपने घर की सफाई। लेकिन अगर मान लो आपके पास में वो नहीं है तो आप बहुत अच्छे से जो चीज़ नहीं है वो बना सकते हैं। WHO और CDC की रिकमेंडेशन क्या कहती है, WHO और CDC की रिकमेंडेशन कहती है कि आप ब्लीच लेके, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जैसे कि फॉर्मलडिहाइड, एल्डिहाइड, ऐसी चीज़ें भी इसको मार सकती है कोरोना वायरस को, यानी डीएक्टिवेट कर सकती है, लेकिन वो घर में यूज़ करना अपने आप में डेंजरस है, घर में बच्चे हैं बूढ़े हैं, वैसे ही टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो घर में भी हो, सेफ भी हो और काम भी आ जाए, राइट। ऐसी चीज़ में एक ब्लीच ज़रूर है जो थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, इसीलिए ब्लीच को आपको सही मात्रा में इस्तेमाल करना होगा, राइट। अब बात को समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस को कैसे मारते हैं। कोरोना वायरस एक DNA RNA मटेरियल है जिसके आसपास एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल को मारना मेन है। अगर कैप्सूल फूट गया, कैप्सूल खराब हो गया, कैप्सूल खत्म,
तो कोरोना वायरस आपके अंदर जाके भी आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अटैच ही नहीं होगा लंग्स में, तो कुछ नहीं करेगा, मर जाओगा, मर जाएगा, वो इनएक्टिव हो गया, बेसिक चीज। सो ये सबसे अच्छी चीज जो इसको इनएक्टिव करती है वो है साबुन। जी हाँ, साबुन से अच्छा कुछ नहीं है। तो फर्श और नीचे की चीजों को तो आप आराम से डिटर्जेंट वाले चीज से भी धो सकते हैं, जो बर्तन धोने वाले साबुन है वो काफी है। तो बाहर से आने वाली पॉलिथीन वाली चीजों को आप बर्तन धोने वाले साबुन से धो लेंगे तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी चीज होगी। तो कोई भी साबुन, कोई भी सोप अपने आप में ये एनवलप फोड़ने के लिए काफी है, एनवलप खराब करने के लिए काफी है। तो वायरस एनवलप अगर, क्योंकि वो फैटी टिश्यू है, तो ये सोप से फट जाता है और अल्कोहल बेस्ड चीजों से फट जाता है और खराब हो जाता है। और इसके अलावा ब्लीच इसको कर सकती है। ब्लीच को बनाने के लिए वो कहते हैं कि गैलन यानी 4 लीटर अप्रोक्सीमेटली आपने, 4.5 लीटर आपने पानी लेना है, उसमें 3-4 चम्मच आपने ब्लीच के डालने, 4-5 चम्मच ब्लीच के डाल के वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा, ब्लीच से एक सैनिटाइजर्स बन जाए, पूरे घर का आप उसमें सैनिटाइजेशन कर सकते हो। नहीं तो 60-70% तक के अल्कोहल के ऊपर वाले सॉल्यूशंस आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिन लोगों के पास अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन या सैनिटाइजर नहीं है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का सिंपल स्पिरिट जो घर में इस्तेमाल, जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है, जो स्पिरिट होती है वो भी इस्तेमाल, वो 100% होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूट करके 1/3 पानी डाल दो, 1/3 उसमें पानी डाल दो। फिर हाइड्रोजन परोक्साइड घर में है, ग्लिसरॉल है वो भी इस्तेमाल, हाइड्रोजन परोक्साइड का एक रेशियो बना लो, वो भी आपका इसमें काम कर जाए। हाइड्रोजन परोक्साइड है, उससे भी आप सामान धो सकते हैं। उसके बाद जो घर में विनेगर है, जी हाँ, घर में पड़ी हुई विनेगर, एसिटिक एसिड भी आपका सैनिटाइजर जैसा काम कर सकती है। सो विनेगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनएक्टिव करने के लिए आपके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का स्पिरिट या अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट चल सकता है। 40% अल्कोहल वाले जो दारू की चीज़ें हैं वो नहीं काम आती है, वो काम नहीं करेगी, अच्छे से नहीं करेगी। मिनिमम रिकमेंडेशन है 60%, तो 60% के ऊपर अल्कोहल आपको चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो इन सारी दूसरी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। कुछ नहीं तो आपको हाइड्रोजन परोक्साइड और विनेगर और सिंपल चीज़ें तो मिली जाएगी। जो घर में हमारे पास सेवलॉन और डेटॉल होता है, ये भी उसको डिसइनफेक्ट कर सकता है। इसका आपने सॉल्यूशन कैसे बनाना है, इसको आपने 1 लीटर पानी में या 1 लीटर इसमें आपने थोड़ा यानी 4-6-8 चम्मच थोड़ा आपने डालने और उसके बाद में इसको स्प्रे कर सकते हैं। सो ये तरीके से आप कर, ऑल्दो ये बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ये सेवलॉन और डेटॉल का, लेकिन ये भी कुछ नहीं से कुछ सही वाला हिसाब है। सो बेस्ट तो होगा अल्कोहल, ब्लीच जो रेकमेंडेड है CDC से, और जो डेंजरस चीज़ें हैं फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, उससे तो दूर ही रहना चाहिए। बाकी वो भी काम करते हैं, वो नॉन कार्सिनोजेंस भी हैं, कैंसर जैसी प्रोडक्ट्स भी कर, कैंसर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देखते हुए हम ऐसे हाउसहोल्ड चीज़ें इस्तेमाल करें। कोई भी यूवी बेस्ड, कई लोग यूवी लाइट यूज़ कर रहे हैं, धूप यूज़ कर रहे हैं, धूप काम करेगी। आपके वेड़े बरांडे में धूप आती है तो धूप में भी सामान रख देने से वो सामान पे कुछ घंटों में जल्दी से वो मर जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। उसमें हो सकता है 7-8 घंटे लगे, डिपेंडिंग अपॉन वो सामान में कितना मॉइस्चर है। वो सामान अगर पूरी तरह सूख जाएगा, कोरोना वायरस वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लोरेक्स ब्लीच जैसी कोई भी ब्लीच आप ले लीजिए, जितनी भी ब्लीचेज अवेलेबल है पूरी दुनिया में, अगर ब्लीच नहीं मिल रहा है तो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच ही होता है, उसमें आप 0.05% फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लाने की कोशिश करें, वहाँ पर 0.05%। याद रखिए इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन परोक्साइड अगर इस्तेमाल करना है तो वो 0.5% सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन परोक्साइड डाइल्यूट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो समझ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस को आपके घर से निकाल देने में। कुछ नहीं मिला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये भी इस्तेमाल कीजिए। नींबू भी इस्तेमाल हो सकता है और सिट्रिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है, एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे बहुत इजी मेथड्स हैं आप कोरोना, और लिटरली आपके घर में जो सफाई वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि लिटरली वो असली होना चाहिए, जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ कोरोना बल्कि सारे को आपके घर से निकाल देगा
और आपका घर स्वच्छ भी हो जाएगा, डिसइनफेक्ट भी हो जाएगा। यूवी लाइट्स नहीं यूज करना है। कई लोग वैसे यूवी लाइट्स के हैवी वाले रेडिएटर्स होते नहीं है लोगों के पास, मगर कहा जा रहा है यूवी लाइट्स कुछ दुनिया भर में कुछ जगहों पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज हार्मफुल है स्किन के लिए भी, कैंसर के लिए भी, कैंसर भी हो सकता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। सेफ रहिए अपने स्किन के ऊपर। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, सेवलॉन, हाइड्रोजन परोक्साइड जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवलॉन, अल्कोहल, डेटॉल और ये चीज़ें, और ये सब तो, और एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, नींबू भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे अच्छा है तो साबुन पानी। साबुन पानी से बेटर कुछ नहीं है। और कुछ नहीं मिला तो सिर्फ पानी भी उसको धो देगा। पानी से अगर वो वायरस धुल के भी हट गया तो भी तो हमारा काम हो गया ना, हट गया तो भी काफ़ी है। सो इसीलिए द बेसिक, जितने बेसिक्स पे जाओगे उतना सिंपल मर जाएगा वायरस। इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा स्टरलाइज नहीं कर सकते। घर के अंदर हर बार हर रोज स्प्रे 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 करने की ज़रूरत नहीं है। सरफेसेस को साफ करो, मोस्ट कॉमनली टच सरफेस, और हाथ को धोते रहो। मुंह नाक को हाथ लगाना बंद कर दो, बस यू आर गुड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी रिस्पॉन्सिबल, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए मेरा वीडियो जरूर देखना है। थैंक यू।